मौजूदा समय में जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते हैं, वहीं इसी इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म आई थी जिससे बॉलीवुड भी हिल गया था। तब महज 18 लाख में बनी इस भोजपुरी फिल्म ने करीब 30 गुना ज्यादा कमाई की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म नदिया के पार की, जिसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक ठाकुरों के गांव में हुई थी। छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने राजश्री प्रोडक्शन को बड़ी सफलता दिलाई, खासकर तब जब उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी थीं। बता दें कि फिल्म नदिया के पार की शूटिंग 1.5 से 2 महीने तक चली और इसका ज्यादातर हिस्सा सई और गोमती नदियों के संगम पर फिल्माया गया था। फिल्म में सचिन पिलगवांकर ने चंदन और साधना सिंह ने गुंजा की भूमिका निभाई थी। इन दोनों की सादगी भरी प्रेम कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में चंदन के भाई ओंकार का किरदार इंदर ठाकुर ने निभाया था। उनका अभिनय इस फिल्म में बेहद प्रभावशाली रहा और दर्शकों को याद रह गया। वहीं फिल्म के गीतों को रविंद्र जैन ने संगीतबद्ध किया था। जसपाल सिंह और हेमलता ने कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जैसे गीतों को अपनी आवाज दी, जो आज भी लोकप्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना सिंह ने फिल्म के बाद फिल्म निर्माता राजकुमार शाहबादी से शादी की थी। उनकी एक बेटी शीना भी अब बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं। नदिया के पार 1 जनवरी 1982 को रिलीज हुई थी और आज भी ये फिल्म दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है। साथ ही फिल्म के रिलीज होने के 41 साल बाद इसके प्रमुख कलाकार साधना सिंह और सचिन पिलगवांकर का लुक अब काफी बदल चुका है, लेकिन फिल्म की यादें आज भी ताजा हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और इसे भोजपुरी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है, जिसने बॉलीवुड को भी चौंका दिया था। नदिया के पार ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा में एक अलग स्थान भी हासिल किया।